नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमारशी एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ खास बात करना चाहता हूं और ये बात बेहद ज़रूरी है, हर किसी की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके युवा वर्ग के लिए। दोस्तों, हमें ये सिखाया जाता है कि अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो, महान जो लोग हैं उनकी जीवनी पढ़ो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। और फिर हम जब इतनी मोटी मोटी किताबें देखते हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ देखते हैं, तो फिर हम एक दो पन्ने पढ़ के छोड़ देते हैं, हमें बोरियत सी महसूस होती है। और आजकल की इस आपाधापी इस लाइफ में लोगों के पास इतना समय नहीं बचा है कि वो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ें। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं लाया हूँ आपके लिए। आपको इतनी मोटी मोटी किताबें, ग्रंथ, जीवनियाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में, इस दुनिया में इतने बड़े बड़े शायर, कवि, लेखक हुए हैं जिनकी अगर आप सिर्फ दो लाइन उठाकर पढ़ लें, उनको समझ लें, अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो आप जो अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इतनी ताकत है उन दो लाइनों में। बस यही बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं और आगे भी बनाता रहूंगा, क्योंकि इन जो छोटी छोटी लाइनों में जिंदगी का फलसफा छुपा हुआ है ना दोस्तों, ये जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। और आज के समय में हमारे युवा वर्ग को, बच्चों को भी हमें ये सिखाना होगा कि ये छोटी छोटी लाइनें आप पढ़िए, इनका अर्थ समझिए, इन्हें अपने अंदर आत्मसात करिए, तो जीवन आपको समझ में आएगा और फिर आप अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इतनी ताकत है इन पंक्तियों में। किसी भी शायर लेखक को आप ले लीजिए, कबीर के दोहे पढ़ लीजिए, एक दोहा काफ़ी है, इकबाल को पढ़ लीजिए, गालिब को पढ़ लीजिए, जिगर मुरादाबादी को पढ़ लीजिए, किसी को भी पढ़ लीजिए, महान से महान शायर कवि हुए हैं, हरिवंश राय बच्चन की दो लाइन पढ़ लीजिए, आपको अपनी जीवन की जो सच्चाई है वो समझ में आएगी और फिर आप सही डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ के बारे में। तो चलिए, आज एक ऐसे ही महान शायर जिनका नाम है कतील शिफाई, उनकी गजल की कुछ पंक्तियां आपके लिए लेकर आया हूं और उनका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप उन्हें आत्मसात कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, आजकल खासकर जो युवा वर्ग है वो इतना जल्दबाजी में दिख रहा है कि वो सोचता है कि हर चीज़ तुरंत उनको हासिल हो जाए, लेकिन इस प्रकृति में ऐसा कोई नियम है ही नहीं कि आपको कोई भी चीज़ तुरंत हासिल हो जाए। जब आप एक बीज जमीन में गाड़ते हैं तो महीनों इंतज़ार करना पड़ता है जब उसमें से पौधा निकलता है। सॉरी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो गुण है वो है पेशेंस, धैर्य। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी गुण है ना दोस्तों इंसान के अंदर होना चाहिए, वो है पेशेंस। चलिए, वो पंक्तियां मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा कि कितनी गहरी बात उन्होंने कही है इन दो लाइनों में। थके पांव भी हम तेरे शबिस्ता के मुसाफिर हैं, थके पांव भी हम तेरे शबिस्ता के मुसाफिर हैं, पहुंची जाएंगे मंजिल पे हम आहिस्ता आहिस्ता। शबिस्ता मतलब शयन कक्ष। कतील साहब कह रहे हैं कि हमारे पांव है ना बहुत थके हुए हैं, लेकिन फिर भी हम शयन कक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं और हम अपनी मंजिल को पा ही लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, अगर हम यूं ही चलते रहे। अब आप सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य आपने डिसाइड कर लिया है और आप बहुत थक चुके हैं, लेकिन आपने रुकना नहीं छोड़ा है, अभी भी मुसाफिर हैं अपनी मंजिल के, तो आप एक दिन पहुंच ही जाएंगे वहां आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। इस दुनिया में दोस्तों, समझिए एक बात, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, हर चीज धीरे धीरे ही होती है, हर चीज का एक प्रोसेस है, प्रोसेस से होकर गुजरती है तब वो आप तक पहुंचती है। अपनी प्रकृति पर चारों ओर नजर डालेंगे ना दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज। बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है तब वो बाहर आता है। कोई पौधा या पेड़ उगाना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सालों की तपस्या लगती है, तब वो हमें फल देता है। मतलब धीरे धीरे, बादल भी धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं फिर बरसते हैं, हमें लगता है अचानक से बारिश हो गई, ऐसा नहीं होता दोस्तों।
कई समय लगता है, बादल आपस में जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर बारिश होती है। तो हर चीज़ इस दुनिया में धीरे धीरे होती है। प्रोसेस अगर आप समझ गए तो आप कभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी देश की फिलॉसफी में कभी भी ये बात नहीं कही गई कि आप जल्दबाजी करें। हर जगह हमें यही सिखाया गया है कि धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब 100 घड़े भी सींच दोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, जब तक ऋतु नहीं आएगी तो फल होगा नहीं। कबीर ने 2 लाइन में पूरी जिंदगी को डिफाइन कर दिया। अब जो समझना चाहता है वो समझ लेगा, जिसे अब वो सोचे कि मैं एक नॉवेल पढ़ूंगा, एक ग्रंथ पढ़ लूंगा तब मुझे कुछ समझ में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आज के समय में हमें सिर्फ अपने काम की चीज निकाल लेनी है और बस, उससे ही हमारा जीवन संवर जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कदील साहब, बहुत कम आस रखनी चाहिए सैराबी ये दिल से, बहुत कम आस रखनी चाहिए सैराबी ये दिल से, बरसता है यहां अपरे कर्म आहिस्ता आहिस्ता। वाह, सैराबी ये दिल, मतलब जो दिल की जो हमारी इच्छा है ना दोस्तों, हर किसी के दिल में इच्छा है, हर किसी की किसी ना किसी से कोई उम्मीद है, माता पिता की बच्चों से उम्मीद है कि बच्चा उनका बड़ा होकर उनका नाम रोशन करेगा, बच्चे की माता पिता से उम्मीद है कि वो बच्चे की जो सारी ख्वाहिशें वो पूरी करेंगे, पति की पत्नी से बहुत ख्वाहिश है, पत्नी की पति से बहुत आस है। तो सबके दिल में कुछ ना कुछ आस है, जनता की सरकार से आस है कि सरकार उनकी भलाई के लिए कुछ काम करेगी, दिल में बहुत इच्छाएं हैं। लेकिन कतील साहब कह रहे हैं कि बहुत कम आस रखनी चाहिए सैराबी ये दिल की, मतलब हमारे दिल में जो इच्छाएं हैं ना उनमें हमें आस बहुत कम रखनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बरसता है अपरे कर्म आहिस्ता आहिस्ता। मतलब जो अपरे कर्म है ना, जो खुदा की जो मेहरबानी है ना, वो बहुत धीरे धीरे बरसती है। तो अगर आप सोच के बैठे हैं कि आप पर एकदम से प्रभु की कृपा हो जाएगी और आप रातों रात स्टार बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। और रातों रात जो स्टार बना भी है तो वो रातों रात गिरा भी है, लेकिन जिसने धैर्य धारण किया हुआ है। अब जितने भी सफल लोग देखिए, 10 साल 20 साल की कड़ी मेहनत करके वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, वो हम देखते नहीं हैं। हमें उन्हें उनकी आज की सफलता दिखती है और हम सोचते हैं कि हमें भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। बरसता है यहां अपरे कर्म आहिस्ता आहिस्ता, बस ये लाइन आप पकड़ लीजिए कि जो खुदा की मेहरबानी है, जो खुदा के जो मेघ, जो कृपा रूपी बादल है जो हम पर बरसते हैं ना, वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ही बरसते हैं दोस्तों। एकदम से कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, आप करने की कोशिश करेंगे फेल हो जाएंगे। इसीलिए सिर्फ इन 2 लाइनों में पूरी जिंदगी का फलसफा बयां हो गया है कि एक तो आप उम्मीद मत लगाएं किसी से ज्यादा, अपने दिल में इतनी ख्वाहिश लेकर बैठे हैं तो उससे आस मत रखिए, ख्वाहिश पालिए लेकिन आस मत रखिए, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आपकी अगर दिल की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपने आस नहीं रखी। किसी से उम्मीद मत लगाइए, अगर वो इंसान आपके लिए कुछ कर दे तो उसे भगवान का गिफ्ट समझिए, और यही एक सुखी जीवन का रहस्य भी है दोस्तों। जिस दिन आप दूसरों से उम्मीद लगाना बंद कर देंगे, आपका जीवन ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। नहीं तो सब उम्मीद लगा ही बैठे एक दूसरे से, और आप देखिए किस तरह से उनका जीवन गुजर रहा है। सब एक दूसरे से चिढ़े हुए हैं, जलन है, घुटन की भावना है एक दूसरे के अंदर, क्योंकि इस उम्मीद लगा कर बैठे हैं। उम्मीद छोड़ दीजिए, खुदा के जो बादल है ना, जो आशीर्वाद है वो बरसेगा, लेकिन धीरे धीरे। उम्मीद करता हूं कि इन पंक्तियों से आपकी जिंदगी में जरूर न जरूर कोई परिवर्तन आएगा, अगर आप इन लाइनों की गहराइयों को अपने अंदर दिल में आत्मसात करेंगे। सिर्फ पढ़ के भूल जाएं तो काम नहीं चलेगा दोस्तों। किसी भी शायर की गजल की 2 पंक्तियां उठाइए और उनमें ढूंढिए कि कहां जिंदगी का फलसफा छुपा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई महान शायर, लेखक या कवि बन जाता है। ये खुदा की उन पर मेहरबानी बरसी है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, बरसता है यहां अपरे कर्म आहिस्ता आहिस्ता। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। फिर कुछ छोटी सी 2 लाइन 4 लाइन आपके लिए लेकर आऊंगा, उसमें क्या जिंदगी का फलसफा छुपा हुआ है जो आपके काम आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। और आप भी आदत डालिए कि सोने से पहले या सुबह उठने के बाद
दो लाइन किसी भी महान लेखक या शायर की जरूर पढ़ें, उन्हें समझिए, उनके अंदर घुसने की कोशिश करिए। ऊपर ही ऊपर मत पढ़िए कि आपने याद कर ली और लोगों को सुना दी, वाहवाही लूट ली, उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। अपने जीवन में आत्मसात करिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलूंगा आपसे। थैंक यू वेरी मच।